हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की सूखी लाल दाल। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में और झटपट बनकर रेडी हो जाती है। बिल्कुल आसान है इसे बनाना, लेकिन इसका स्वाद इतना ज़्यादा जायकेदार होता है कि आप इसे रोज़ बना के खाना पसंद करोगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी ये दाल बनती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमने ये हाफ कप मसूर की धुली हुई दाल ली है। दाल को हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर भिगोने के लिए रखेंगे। तो देखिए, इसे हमें ज़्यादा देर भिगोने के लिए नहीं रखना है। जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक ये दाल हमारी भीग जाएगी, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। अब हम गैस पर बर्तन में एक बड़ी चम्मच ऑयल लेंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा थोड़ा फ्राई होने पर इसमें हम एक कटके हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम इसमें फ्राई होने देंगे। तो देखिए, हम ये दाल बनाने का आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ईजिली और स्वीटली दाल बन जाती है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दाल लगती है। फिर एक बार बना के खाओगे तो हमेशा इसे बना के खाना पसंद करोगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है दाल। तो ये प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम एक कट किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसमें हमने 20 से कट लगा लिया है, और तीखा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो मसाले को हम भुनने देंगे, ढक देंगे इसे। तो देखिए, मसाले को हमने भुन लिया है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब ये जो भिगोई हुई हमारी दाल है मसूर की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। दाल को हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल को हम इसमें 1 मिनट भुनने देंगे। तो दाल को हमने 1 मिनट भुन लिया है। अब इसमें हम 1/2 glass पानी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमने हाई पे रखा है, इसे हम ढकेंगे और 2 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। तो 2 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पर पका लिया है, तो दाल पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट हमने दाल को पका लिया है और देख सकते हैं पानी इसमें सोक हो चुका है, और आपको देख के पता चल रहा होगा कि दाल भी हमारी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है इसमें। तो बहुत ही झटपट क्विकली ये दाल बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो इसमें हम लास्ट में धनिया ऐड करेंगे और ये दाल हमारी रेडी है। गैस ऑफ कर देंगे और उसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो लीजिए, हमारे मसूर की लाल दाल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और देखा जैसे आपने कितना सिंपल है इसे बनाना, लेकिन इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आपने कभी ऐसी दाल नहीं खाई होगी, एक बार ज़रूर इसे घर पर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।